मेरे पास एक केस आया हाउस रॉबरी का। वो 125 तोले सोना, 15 से 20 लाख कैश और उनकी अपनी कार जो थी वो भी ले गए साथ। एक जगह पर जाकर उन्होंने उस कार को डंप कर दिया। नाज़रीन, पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का इलेक्ट्रॉनिक डेटा एनालिसिस सेंटर मुतअद्दिद केसेस हल करने में इन्वेस्टिगेशन विंग पुलिस को मदद फराहम करता है। इस केस को भी पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर ने शहर में नस्ब कैमरों की फुटेज की मदद से मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया। वो केस देखने आया, हमने वहां पर उनसे जो है इंफॉर्मेशन गैदर किया कि क्या हमारे पास टाइम था और कितने वो लोग थे, किस टाइम गए हैं। उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि तीन लोगों ने घर में जो है वारदात की है। जब हमने केस को स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने उनकी कार देखी कि वो कार को कहां पर लेकर जा रहे हैं। उस कार की ही लीड फॉलो करते हुए हमने उस कार को ट्रेस करना शुरू किया और हम उससे जो है ट्रेस करते हुए जो न्याजी हमारा जो बस स्टॉप है वहां तक ले गए। वहां पर एक जगह पर जाकर उन्होंने उस कार को डंप कर दिया और वो अपना जितना भी उनका जो वारदात का सामान था वो लेकर वहाँ से चले गए। मुजरिमान गाड़ी को बस अड्डे पर छोड़कर शहर से फरार होने में तो कामयाब हो जाते हैं, मगर कानून की नज़र से ओझल नहीं हो पाते। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में आने के बाद वो कार भी मिल गई और ये डिटेल भी हासिल हो गई कि वो किस सिटी में गए हैं। वहाँ से वो पूरा का पूरा गैंग जो है वो पकड़ा गया। उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है मकदार में रिकवरी भी हो गई थी।